क्लिक न्यूज मीडिया में मैं मौलाना से हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा में आज के हमारे खास मेहमान हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से मौलाना अबरार खान जी, जो मुंबई का उत्तर मध्य जिला है उसके मानव अधिकार समिति के वो अध्यक्ष भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बहुत वर्षों से हमने देखा कि आप सोशल एक्टिविस्ट में जुड़े हुए थे और लगभग 2 वर्ष पहले आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया। सर भारत की राजनीति को हम, भारत की सियासत को हम एक कीचड़, एक दलदल मानते हैं। क्या था आपका कारण सर कि आपने कांग्रेस से ज्वाइन किया और राजनीति को बदलने का पहल क्यों चुना आपने? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी बात को शुरू करने से पहले कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हिंस की गुलस्तां हमारा। आपकी खास चीज़ ये है कि ये सच है कि मैं एक समाज सेवक था, क्योंकि मेरा ग्लोबल्स करके मेरा NGO है, उसके माध्यम से मैं मुंबई के अंदर काम करता हूँ। गरीबन हमारी 2 साल पहले इस जागीरदार साहब से हमारी अचानक मुलाकात हुई और मुझे ऐसा लगा कि इस सल में काफ़ी इंसानियत है। मैंने इस कदम को उठाया और जब वो भाई के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की तो जितना मैंने ख्वाहिश किया था उससे कहीं ज़्यादा एक जिम्मेदार व्यक्ति समझा। और हमारे वरिष्ठ जी हैं, मुंबई के चेयरमैन हैं, यकीनन वो पर्सनली हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ पे जुड़ रही है। मुझे भी ऐसा लगा कि एक ऐसे इंसान के साथ पे जुड़ने में मौका मिल रहा है। मैं ज्वाइन हुआ भाई के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज ये शायद हर पार्टी की, बहुत सी हिंदुस्तान में हमारी पार्टियाँ हैं, मगर शायद जो चीज़ जागीरदार साहब और हमारे मुंबई के जो वरिष्ठ आदरणीय संजय निरुपम साहब, उनकी सरपरस्ती में आज मुंबई में जो काम करने का मुझे मौका मिला और कांग्रेस ने रीजन हमारा क्या हुआ, कांग्रेस में ज्वाइन होने की वजह क्या है। बहुत सी पार्टी हमने देखा कि इंसानियत को खत्मा करने की कोशिश कर चल रही है। अत्याचार देखा होगा ये 5 साल के अंदर ही आपने लोग, कभी गरीबों पर अत्याचार हो रहा, कभी दलित समाज पर, तो कभी मुस्लिम अक्सरियत पर। ये देश को और हिंदुस्तान की सरजमीन को उखाड़ने की साजिशें चल रही है, हिंदुस्तान की बुनियाद को कमजोर करने की साजिशें चल रही है। कभी इंसान को एक जानवर की बुनियाद पे मार दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है कि तुम देशद्रोही हो, आप मुसलमान हो तो देशद्रोही हो। शायद उनको एक मैं मैसेज देता हूँ, एक पैगाम मेरा दे हो। और इस चैनल के थ्रू मैं उनसे कहना चाहूँगा, बड़े अदब से मैं कहूँगा कि शायद वो तारीख तुमको याद नहीं जब ताज होटल में हादसा हुआ, कुछ आतंकवादियों ने आकर के हमारे देश के कुछ लोग, उसमें काफी नुकसान, कुछ जाने भी गई। जब ये मसला यानी अजमल कसाब जैसे लोगों को जब फांसी हुई तो उलमा काउंसिल के बीच में मीटिंग हुई कि एक काम कीजिए आप, ये मुसलमान है इसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। तो मुझे नाज है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे फख्र से उस कॉन्सुलेट को मुबारकबाद देता हूँ जिसके जवाब को कि कोई भी व्यक्ति मुसलमान का नाम रखने से मुसलमान नहीं होता है। दलित समाज की बात ले लो, लोग बोलते हैं ये हम दलित समाज की बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। महाराज तो देश संविधान जो बनाया गया, जिसको हम फॉलो करते हैं, हम मानते हैं, ये हमारा फर्ज है। उसी संविधान को लोग आज मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नए नए कानून नाफिज किए जा रहे हैं। कभी दलित को देखा जा रहा है तो मारा जा रहा है। नोटबंदी को ले लो, नोटबंदी के वक्त में क्या हुआ, अमीर अमीर बनता चला गया, गरीब रोड पे आ गया और जो रोड पे था वो ऊपर चला गया। जी सच्चाई, गुस्सा, आक्रोश हर जनता के प्रति, जनता को भी है और हर राजनेता को भी है, परंतु हमारी मीडिया के केंद्र में है। हर शाम को टीवी ऑन कीजिए, वो कभी ये चीज के बारे में संबोधित नहीं करती है, ना कभी दिखाती है। तो कैसा आपको फील होता है कि जो मीडिया का कार्य है सच प्रकट करना, सच सामने रखना जनता के, वही कहीं ना कहीं आज बीजेपी है और एनडीए है उनको आगे कर रही है। मैं फिर से आपको चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जैसे चैनल वाले कम अज कम हम जैसे छोटे लोगों की बात को लोगों समाज के बीच में रखते हैं। आज देश के कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं, मगर जब हम कोई बात रखते हैं या कोई गरीब व्यक्ति बात रखता है उसकी बातें पहुंचाई नहीं जाती, वो कैमरा दिखाया जाता है कि कैमरे में हमने लिया। आवाम के नज़दीक ये होता, तसल्ली हो जाती है कि नहीं ठीक है, मगर सच्चाई ये है कि उन बातों को दिखाया नहीं जाता है और मीडिया काफ़ी तौर से बिकी हुई है। और अगर सच्चाई ये है कि आज देश के जो लोगों और जो नागरिक के जो गुस्से हैं, इससे साबित हो जाएगा कि 2019 में अपना जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, इसमें साबित हो जाएगा कि इन्होंने क्या किया और क्या किया क्या नहीं किया है। कांग्रेस ना रहने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में क्या किया है वो खुद ही साबित हो जाएगा सामने जी। साहब ने देखा कि आप ऐसे राजनेता हो कि आप ग्राउंड से जुड़े हुए हो। सर बहुत सारे ऐसे राजनेता है या फिर कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के, मनसे के, एनसीपी के, तमाम पार्टियों के। अगर हमारे जनता उनसे मिलने जाते हैं, एक नगर सेवक को, एक खासदार को, एक आमदार को, वो उनको समय देते नहीं है। संविधान के तौर पर ये नुमाइंदे हमें संविधान के तौर पर दिए गए, परंतु जनता के कार्य के लिए, परंतु वही जनता से नहीं मिलते, मुलाकात नहीं कर पाते, जनता अपनी बात उनके सामने नहीं रख पाते, तो जनता को भी आक्रोश है। सर ऐसे राजनेताओं को जो अपने जनता से नहीं मुलाकात करते, क्या कहना चाहूँगा? शायद नहर भी गलत कर रहे हो, क्योंकि आज जनता की ओर से ही वो आमदार खासदार होते हैं और खासदार होने के बाद ये बात खुले कि कल फिर जनता के बीच में तुम्हें आना है, तो मैं बहुत कुछ समझ करके लोग जीता हूँ। और अगर आप नहीं आते हो तो शायद बहुत ही गलत है। और मैं फिर अगर ऐसी ये चीज़ें, अपने सवाल बड़ा अच्छा सवाल उठाया, तो मैं उस लेडीज़ को मुबारकबाद दूंगा शायद जो एक हफ्ते पहले हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि हमारी मीटिंग है 2 महीने के अंदर रेगुलर तकरीबन 10 से 15 मीटिंग जो हमारी खासदार माननीय प्रियंका जी हैं, तबीयत खराब होने के बाद भी आज हर कार्यकर्ता से मिल रही है। इससे पहले शायद साल भर पहले की बात है, गरीबन 2017-18 की बात, उसमें एक हमारा प्रोग्राम था, मैडम बात की तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि हमारी मीटिंग है, हमारा इसके अगर आप नहीं आएंगे तो शायद हम लोग को बड़ी तकलीफ होगी। तो मैडम ने दिल्ली की मीटिंग छोड़ के हम छोटी सी मीटिंग हमारी किया, शायद मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो नहीं मिलते शायद वो अपना, और उनको या दोबारा नहीं आना होगा, मगर ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सर सर मुंबई के जो उत्तर मध्य जिला है इसमें काफ़ी पॉपुलर राजनेता है, काफ़ी पॉपुलर सोशल एक्टिविस्ट है। सर आपसे सवाल ये है कि जो आपकी प्रेजेंट खासदार है पूनम महाजन, उसको आपने आपके क्षेत्र में कितने बार देखा है? करीबन मैंने एक मर्तबे देखा। और मैं ये बात तो बीजेपी पार्टी के वरिष्ठों से एक बात कहूँगा कि शायद पूनम महाजन जी अगर रोड पर आके अकेले तनहा खड़ी हो जाए तो शायद 20 दुकान वाले खासदार को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के बीच में उनका आनंद है। और लोगों में जब तुम आओगे नहीं, समाज में तुम्हें पहचानेगा कौन? समाज में मेरा ये विषय नहीं है कि ये पार्टी का है तुम इसकी तारीफ करें, सच्चाई जो है उसको सामने रखो। जो हित में अच्छा काम करेगा, जो समाज के बीच में आएगा, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ वो हमेशा अवर रहेगा और उसके लिए लोग खड़े भी रहेंगे। आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, एक छोटी सी, मैं खासदार नहीं हूँ, मगर मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं एक बात बोलूँगा, बखूब बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे आमदार खासदार जो भी हैं, जो खासदार या आमदार अगर काम नहीं करता है, समाज के बीच में नहीं वो आता है, तो मेरा एक मशवरा है कि वो राजनीति ना करे, वो इलेक्शन न रहे, उसके लिए वही अच्छा रहेगा। सर मैंने देखा कि आपके जब समाज सेवक थे आप, तो आप शिक्षा पर आपने काफी फोकस किया आपके क्षेत्र में कि आपके युवाओं को शिक्षा भी मिले और रोजगार भी मिले। सर रिसेंटली पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे जो देश के युवा है अगर उसको नौकरी नहीं मिल रहा है तो पकौड़े करें। इस पर साहब इस चीज के, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हो और अमित शाह जी को क्या बोलना चाहोगे इस विषय पर? नहीं, अमित शाह जी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि पार्टी के अगर वो बोलते हैं कि हमने पकौड़े के लिए या 15 लाख रुपया, दुनिया की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बोले और किए नहीं। फिर जब मीडिया वाले सवाल करते हैं तो बोलते हैं तो हमारा जुमला था बोलने का, तो उनकी बात पर तो हम ये बातें हैं कि उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं किया। अभी कितने नौजवान हमारे ऐसे हैं जो आज नौकरी के लिए कहा था कि इतने लोग को नौकरियां लगाएंगे, किसी को नहीं लगाया। तो हमें लगता है शायद बोल बचन से काम नहीं चलता है। आज सबसे बड़ा इशू एक चीज़ है, आपको मैं आपको बोल दूँ कि माननीय हमारे, मैं अदब से कहूँगा, जो हमारे माननीय देश के PM साहब माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक सवाल किया था कि मैं जब समाज के बीच में जब मैं लोग मुझे जिताएंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे, शायद मुझे लगता है कुछ ऐसा नहीं किया। मगर मैं अपने माननीय राहुल गांधी जी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरीके 3 परदेशों में कहा था कि गरीबों को कर्ज माफ करूंगा, तो शायद 10 घंटे के अंदर उन्होंने कर्ज माफ कराया। मैं उनको काबिले तारीफ और काबिले मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और मैं आपकी मीडिया के थ्रू कहना चाहूंगा कि शायद जो लोग ये बोलते हैं कि सत्य में रह कर की बड़ी ताकत होती है, गलतफहमी है। हमारे यहाँ जब आप पुलवामा के अंदर जब यह हादसा हुआ, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 22 मुल्कों की मीटिंग थी 5 बजे, उन्होंने लोगों से मीटिंग कैंसिल कर दिया और उस गम में खुद मुब्तला हो गए। हमारी बहन आदरणीय प्रियंका गांधी जी 4:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको कैंसिल कर दिया। तो शायद मुझे लगता है कि ये इंसानियत है। ये इंसानियत नहीं है कि एक पीएम या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन यह हादसा हो और उसके बाद जाके लोगों के बीच में अपनी स्पीच दे। और वो तो वो एक हमारे वरिष्ठ जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, बड़ी बड़ी बातें करते, स्टार जिसे नौजवान बहुत चाहते हैं, मगर उस रात में गाना बजाना कर रहे थे। शायद अपने गुरूर घमंड में, अपनी ताकत में, अपनी शोहरत के पीछे सब भूल गए कि देश का संविधान क्या कहता है। देश के अंदर जो नागरिक आज वापस शहीद हुए, आज उनकी बुनियाद पर हम घर में सोते हैं। शायद वो भी भूल गए। क्या अगर वो नौजवान नहीं हो, क्या वो साहब सो सकते हैं? तो ये मेरा मैसेज है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हमारी सरकार भी आती है तो मैं अपने लोगों से एक छोटा सा नागरिक होने, एक छोटे से समाज सेवक होने की बुनियाद पर मैं बतौर एक मशवरा, क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, ये मेरा मशवरा है कि जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं उनको भी चाहिए कि समाज के बीच में काम करें, एक दूसरे के दुख को बांटे, उनके दर्द को समझें। इंशाल्लाह वो कभी भी और हमेशा खुशहाल रहेंगे, कोई उनको हराने की ताकत नहीं रखेगा। सर, काफी सारे समय से बीएमसी में शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन है वो राज्य कर रहा है। तो बीएमसी का बजट लगभग 35,000 करोड़ तक है। हमारे देश के काफी राज्यों से ज्यादा बजट बीएमसी का है और एशिया का सबसे ज्यादा बजट वाला कॉर्पोरेशन बीएमसी का है। सर, इतना सारा धांधली, इतना सारा करप्शन हमें देखने को प्राप्त होता है, इस पर अंकुश कभी लगेगा? तभी कांग्रेस आएगी, तभी या फिर आप जितने भी तमाम नगर सेवक है शिवसेना भाजपा के, और क्योंकि शिवसेना के हमेशा मेयर बनते हैं, तभी उनसे संवाद किया आपने कि आपको इस पर तो अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि एमएलए का भी फंड है वो जनता तक नहीं पहुंचता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फंड है करोड़ों का वो जनता तक नहीं पहुंचता है, जो नीचे का तबका का जो फंड है नगर सेवका एटलीस्ट वो तक जनता तक पहुंचे। सच्चाई ये है कि जो आज बीएमसी के मुद्दे को लेकर मैं आपसे बताऊँ कि ये आज से नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे 20 साल के बॉम्बे के अंदर, और ये आपने अभी जो हादसा हुआ विदेश गिरने का, बस ये कहूँ कि इसका मुकम्मल जिम्मेदार बीएमसी है। इसको खुद देखना चाहिए, ये उसका काम है और उस काम को अंजाम खुद ही दे, क्योंकि घर की दहलीज जब कमज़ोर हो तो गैरों को बोला नहीं जाता है। तो शायद बीएमसी कमज़ोर कहीं ना कहीं से है। मैं उसको मशवरा देता हूँ अपना कि उस चीज़ को खुद को समझे। किसी की तोहमत देने से बेहतर ये है खुद को पहले अपनी दहलीज को मजबूत कर ले। जी सर, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता का कहना है कि प्रिया जी जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, ये इस समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्य नहीं किया लगभग 5 वर्षों से और कभी ग्राउंड में भी दिखाई नहीं दिया। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं फूट नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद जो कार्यकर्ता कहते हैं या उनको मालूम नहीं हुआ, या अगर उनको मालूम नहीं, वैसे हमारे जिले में 36 वार्ड हमारे खुद को डिक्लेरेशन है, 6 तालुका हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हमारी कंप्लीट, हमारी बहनें हैं, सभी लोगों को मैं देखते चल रहा हूँ और सभी को उनको गाइड किया। और उनको बखूब मालूम है कि नरगिस 10 फाउंडेशन एक करके है जिससे काफ़ी ज़्यादा वो काम करती। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक लेडीज़ है वो बार बार अगर कोई ये बात कहे कि रोड पर आते रहो, तो भी उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है, मगर वो काम जरूर करती है। ये बात मैं वादे से कहता हूँ, क्योंकि हमारे कितने काम उन्होंने खुद किए और हमारे लोगों को से बांद्रा वेस्ट में ले लीजिए आप, सांतोल में कई मीटिंगों में और कई मसले मसाइल में वो आती है, हमारा काम करती है। जी सर, आखिर में 2019 का चुनाव है, अप्रैल 2 को हमारे मतदाता मुंबई के रहवासी वोट देने जाएंगे, तो किस मुद्दे पर वो वोट करें, राम मंदिर के मुद्दे पर कि हमारे देश की युवा को रोजगार मिले, देश के रहवासी को अच्छा सड़क मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, इस मुद्दे पर वोट करें। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि उनके लिए कि जब भी वोट दे कौन सा आदमी है, कौन तुम्हारे लिए भले के लिए होगा, क्या अच्छा काम कर सकता है, वो हम खुद समझे फिर उसके बाद उसको वोट दें। दूसरी चीज जो सत्ते में सरकार है, मैं अपने लोगों से एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज इसी नोटबंदी से पहले शायद वो गुनहगार नहीं थे जो उत्तर प्रदेश में बैंकों में सुबह सुबह 6 बजे आके लाइन लगाते थे नोटों के लिए ताकि नोट चेंज कर ले हम, मगर कुछ प्रशासक के लोगों ने ऐसी लाठी बरसाई कि उनके नोट आज भी रखे हुए घर के अंदर, वो नोट नहीं चेंज हुए मगर उनके दर्द जरूर है। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा जो इंसानियत को खात्मा कर रहे हैं, कभी गाय के नाम पर, तो कभी दलित के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, सभी इन्हें इंसानियत को उखाड़ने का काम करते हैं, उन लोगों से दूर रहें। और मेरी तरफ से मैं यानी मैं ऐसा नहीं कि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ इसलिए कहता हूँ, उस व्यक्ति को देना जो व्यक्ति तुम्हारे लिए खड़ा रहे हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिले के अंदर हम जैसे और हमारे वरिष्ठों ने एक सबक दिया है मुझे, हमारे माननीय जो हमारे मुंबई के चेयरमैन इंस्पेक्टर जागीरदार साहब हमेशा इस मीटिंग को लेकर बोलते हैं, बेटा पार्टी के पोस्ट तो ये समझना ठीक है मगर इंसान को पहले लेके आना ताकि सारे समाज के लोग तुम्हारे साथ में रहें। और हमने वही काम किया, मानिए हमारे जो मुंबई के सरबस्ती जी जो कर रहे हैं इस टाइम है, उनका भी यही मैसेज रहता है कि माननीय साहब कि लोगों के हित में काम करो ताकि लोग तुम्हारे लिए खड़े रहें। और हमें यही दर्श एमआरसी से मिलता है और हम ये लोगों को ये मैसेज देते हैं कि कांग्रेस को बहुमत वोटों से जिताए और जिताने के बाद माननीय राहुल गांधी जी को हम देश का पीएम बनाए और पीएम यकीनन जिस दिन बनेंगे हम सब खुशहाली का एक मौका होगा। और अपने लोगों को मैसेज दूंगा ज़िले के खासतौर से लोगों को, इंशाल्लाह मैं मौलाना अबरार खान मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। कभी भी रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी किसी वक्त भी हमारे हर वार्ड में लोग हैं, कभी मैसेज मुझे देना, इंशाल्लाह मैं आपके लिए खड़ा हूँ। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। धन्यवाद सर कि आपने कितनी समय दी ऐसी ट्वीट में। तो ये थे हमारे साथ मौलाना अबरार खान जी जो इंटरनेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर है और उत्तर मध्य जिला के वो मानव अधिकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सभी जनता के सवाल का जवाब दिया और जनता के हर सवाल का जनता के साथ साझा किया और पॉलिटिकल जो राय मत विचार वो जनता के साथ साझा किया क्योंकि बहुत जरूरी है आज के समय में। और 2019 के चुनाव को कैसे देखते हैं ये सब चीजें पूरे जनता के साथ शेयर किया। तब तक लिए देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज मीडिया। धन्यवाद।